हरिओम ओम गणेश जय सियाराम। एक बार पुनः कर्मकांड बाई आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और गुरु पुष्य नक्षत्र में शत्रुओं को या तो ध्वस्त करने के लिए या तो विजय स्वयं विजय प्राप्ति हेतु अगर ज्ञात अज्ञात शत्रुओं के द्वारा या ज्ञात अज्ञात शत्रुओं के कारण अगर आप पीड़ित हो किसी भी प्रकार की समस्या से, तो गुरु पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्यामृत योग में माता रानी या तो भगवान शिव जी के ऊपर एक ऐसा प्रयोग आप कर सकते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और यह शास्त्र में वर्णित मंत्र के माध्यम से है और जो प्रयोग है वो हमारे अनुभव के माध्यम से आपको मैं यह बताने वाला हूँ। अगर आज आपको यह विषय वीडियो पसंद आए और क्या आप स्वयं भी यह प्रयोग करने वाले हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो या तो वीडियो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, एक मंत्र है, ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एव मेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। अब इस मंत्र के द्वारा ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र के द्वारा 22 फरवरी गुरुवार अर्थात कल सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम के 4:43 तक, आप चाहे तो रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में अगर आप करेंगे तो इसका जो फल है शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, वैसे सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त होगा, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र में ही अवश्य यह प्रयोग आप कीजिएगा। अब करना क्या है, अगर आपके घर में माता रानी की मूर्ति है तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो उसके ऊपर भी यह प्रयोग कर सकते हैं, और अगर माता रानी के ऊपर आप यह प्रयोग करते हो तो जो मैंने आपको मंत्र बताया उस मंत्र को पढ़ते हुए सरसों के तेल का दीपक एक माता रानी के आगे प्रज्वलित करके हो सके तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित कीजिएगा, और सरसों के तेल से ही माता रानी या तो श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक करते हुए यह मंत्र यथाशक्ति, या फिर कहूँगा कि कम से कम 108 बार बोले और धीरे 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 करके अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद जो वह तेल है सरसों का वह किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए, और वो यंत्र या तो माता रानी की जो मूर्ति है उसे अच्छे से स्वच्छ साफ करके शुद्ध गंगा जल या पानी आदि से, या फिर आटे से, उसका भी वीडियो बनाया है कि भगवान या मूर्ति को किस आटे से कैसे स्वच्छ करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से केमिकल ना हो ऐसे पदार्थ का प्रयोग करके क्लीन करके साफ करके टीका आदि लगा के फिर मंदिर में उसी जगह पर स्थापित कर दीजिए जहाँ से आपने लिया था, या तो यंत्र हो या तो मूर्ति हो। आप चाहे तो अधिक बार भी कर सकते हैं मंत्र, मैंने आपको 108 बार बोला, लेकिन आप चाहे तो 2 माला 3 माला 5 माला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह करते समय आपको केवल अपने शत्रु का या ज्ञात अज्ञात शत्रु या फिर ऐसी कोई चीज़ों से आप फंसे हुए हो जैसे कोर्ट कचहरी क्षेत्र आदि, तो उसमें विजय प्राप्ति हो तो शत्रु का बल क्षय हो उसके हेतु मन में संकल्प करके यह प्रयोग आपको करना है। आप चाहे तो इसी मंत्र के द्वारा या इस मंत्र के अलावा संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनते हुए या बोलते हुए भी माता रानी के ऊपर ऐसे ही इसी सरसों के तेल से आप अभिषेक कर सकते हो। यह प्रयोग आप माता रानी के ऊपर कर सकते हो। अब बात रही भगवान शिव के ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर। अष्टाध्यायी जो रुद्री है वैदिक, अगर आपको उच्चारण में दिक्कत ना हो तभी इसका उच्चारण कीजिएगा, ये मैं आपको स्पष्टता कर देता हूँ, या तो आप स्वयं सुनते हुए भी अष्टाध्यायी रुद्री के द्वारा, या तो जो अर्जुन कृत जो स्तोत्र है शिव ओम नमो भवाय शर्वाय उसके 11 पाठ पढ़ते हुए सुनते हुए या मतलब बोलते हुए सरसों के तेल से भगवान शिव जी के ऊपर आप अभिषेक कर सकते हो, वही संकल्प करना है। उसी प्रकार से पश्चात बाद में अभिषेक के बाद वह तेल को पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए और भगवान को साफ करके फिर टीका आदि लगा के चंदन कुमकुम भस्म अच्छे से भगवान को श्रृंगार आदि करके उनकी जगह पर वापस स्थापित कर दीजिए, और शिव जी के सामने भी सरसों के तिल का ही दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन यह प्रयोग आपको करना है सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम के 4:43 के बीच में ही, क्योंकि इसी समय गुरु पुष्यामृत नक्षत्र रहने वाला है, उसके पश्चात पुष्य नक्षत्र नहीं रहने वाला है, अर्थात
नक्षत्र बदल जाएगा। तो इस समय में आप शिव शक्ति की आराधना करके, अभिषेक करके, सरसों के तेल का प्रयोग करके, दीपक प्रज्वलित करके अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम और गुरु पुष्यामृत योग की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।